खोया हुआ पर्स लौटाकर सोलन के ऑटो चालक ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। महंगाई के दौर में भी पैसों को देखकर ईमान ना डोलना बड़ी बात है। सोलन के ऑटो चालक राजकुमार ने करीब 3-4 दिन के प्रयासों के बाद पर्स मालिक को पर्स वापस लौटाया है। पर्स में आधार कार्ड सहित कुछ नकदी मौजूद थी। खोया पर्स लौटाकर सोलन के ऑटो चालक ने इंसानियत का परिचय दिया है। सोलन में ऑटो रिक्शा चालक राजकुमार ने कुछ वर्षों पहले भी एक महिला का पर्स लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की थी। महिला के पर्स में जरूरी कागजात के अलावा कुछ कीमती गहने मौजूद थे, लेकिन राजकुमार ने महिला के घर जाकर महिला को पर्स वापस लौटाया था। वहीं अब राजकुमार को एक युवक का गिरा हुआ पर्स मिला है। उसमें युवक का आधार कार्ड सहित कुछ नकदी मौजूद थी। 3 दिन पहले राजकुमार देहूंघाट को सवारियां लेकर जा रहे थे। उस समय राजकुमार को सड़क के किनारे पर्स पड़ा हुआ मिला। राजकुमार ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने पर्स गुम होने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात राजकुमार ने ये पर्स अपने पास संभाल कर रख दिया। इस दौरान राजकुमार ने आधार कार्ड नंबर को किसी जानने वाले व्यक्ति को दिया, जिन्होंने पर्स मालिक का नंबर उन्हें उपलब्ध करवा कर दिया। राजकुमार ने पर्स मालिक को फोन के माध्यम से पर्स मिलने की सूचना दी। एक दूसरे से संपर्क साधने के बाद ऑटो चालक ने पर्स मालिक को पर्स लौटा दिया। पर्स मिलने के बाद पर्स मालिक बेहद खुश दिखाई दिए और उन्होंने ऑटो चालक राजकुमार का आभार व्यक्त किया। ऑटो चालक राजकुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे देहूंघाट जा रहे थे, तभी उन्हें ये पर्स पड़ा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि इसमें आधार कार्ड के अलावा कुछ नकदी मौजूद थी। मैंने सोचा पता नहीं किसका है, तो मैंने उसको उसका नंबर, उसने फोन पर भी नंबर नहीं था, तो नंबर मैंने उसको प्रेस के थ्रू उसका नंबर निकाला, तो नंबर निकाल के उसका नंबर मिला, तो उनको बुलाया, उन्हें पर्स वापस कर रहा हूँ। और मेरे को पहले भी एक पर्स मिला था, तो भी मैं कल लगाया था। तो आप जैसे अन्य ऑटो चालक है, उनसे क्या आह्वान करना चाहते हैं? ऐसा ऑटो चालकों से चाहता हूँ कि मेरी तरह ही वो भी अपनी ईमानदारी करते हैं, ताकि लोगों को वैसे जाए, अच्छा काम करने से अच्छा ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।